सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं संजीव मिश्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रांची के एक ऐसे जगह पर ले चलूंगा जहां पर कहा जाता है कि स्वर्ण रेखा नदी का वो उद्गम स्थल है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पिस्का नगड़े स्थित रानी चुआ की। और चलिए आपको इस वीडियो में मैं बताता हूँ रानी चुआ के बारे में, तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए जानते हैं रानी चुआ के बारे में। एक बात और दोस्तों, अब आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर क्लिक करके आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आज मैं जा रहा हूं रानी चुआ में। रानी चुआ का वीडियो मैंने पहले भी पोस्ट किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। रानी चुआ जो कि रांची के नगड़ी में स्थित है और कहा जाता है कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल रानी चुआ ही है। तो आप देख सकते हैं वो जो कुआं है, मैं कैमरे को वहाँ पे ले जाके आपको दिखाऊंगा और आप देख सकते हैं वहीं से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम हुआ है। रानी चुआ में एक कुआं है, उसके ठीक पास में एक बहुत ही सुंदर सा तालाब है। आप देख सकते हैं कैमरे में कि कितना सुंदर तालाब है और इधर एक मंदिर भी है मौजूद, जहां आप देख सकते हैं 14 जनवरी को यहां पर बहुत ही शानदार मेला लगता है। तो आप भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। और अगर आप रानी चुआ के बारे में विशेष जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो पोस्ट किया था रानी चुआ का, लेकिन मैंने आपको नज़दीक से इसके बारे में नहीं बता पाया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ रानी चुआ। जाता है कि यहीं से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम हुआ है, यहीं से स्वर्णरेखा नदी निकली है। आप देख सकते हैं जैसा कि मैं कैमरे में दिखा रहा हूं आपको, यही वो रानी चुआ है। 10 जनवरी को यहां पर मेला सा लगता है, बहुत ही भीड़ होती है और दूर दूर से लोग इस जगह पे आते हैं। आप देख सकते हैं यही स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पे जो है यहीं से नीचे से स्वर्णरेखा नदी गई है और रांची के प्राचीन धरोहर में इस जगह का बहुत ही महत्व है।
दोस्तों, रांची स्थित रानी चुहा की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, मैं संजीव मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, जहाँ मैं रहूँगा मौजूद एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।